हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष और आज मैं आपको बताऊंगा प्ले स्टोर की चार खुफिया सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, फिर ऊपर थ्री लाइन को टच करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर सेटिंग्स के ऑप्शन में सबसे नीचे जाना है, आपको प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अगर इसमें डिवाइस इज सर्टिफाइड का लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि आपका जो डिवाइस है वो कंपनी ने बनाया है। अगर इसमें सर्टिफाइड नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि ये आपका डुप्लीकेट कंपनी ने इस डिवाइस को बनाया है। फ्रेंड्स, दूसरी सेटिंग ये है, अगर आप कभी सुबह उठते हो और आप देखते हो मोबाइल में आपका 50% डेटा यूज़ हो चुका होता है, तो इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका मोबाइल में जितना ऐप्स होता है वो अपने आप अपडेट हो जाता है। आपको उसको रोकने के लिए थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको ऑटो अपडेट ऐप्स में जाकर ओवर एनी नेटवर्क रहता है आपको इसे चेंज करके डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स कर देना है। और फिर आपको महीने में या 15 दिन में आपको एक डेट फिक्स कर लेना है, उस दिन आप सारा अपना ऑटो अपडेट कर लेंगे ऐप को। फिर आपको दूसरा सेटिंग इसमें ये भी मिल जाता है, ऑटो प्ले वीडियोज़, इसको भी आपको डू नॉट ऑटो प्ले वीडियोज़ कर लेना है, इससे आप अपना डेटा बहुत हद तक सेव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, थर्ड सेटिंग ये है, आपके मोबाइल में आपको थर्ड डॉट पे जाना है प्ले स्टोर में, फिर आपको ऊपर सेटिंग्स के ऊपर प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स में आपको दोनों सेटिंग्स को इनेबल कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल में जितने भी वायरस होते हैं कोई भी इंटर नहीं कर पाएंगे या फिर कोई इलीगल ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको फटाफट से अपने डिवाइस को स्कैन कर लेना है पूरी तरीके से, और स्कैन होने के बाद फिर उसे आपको ऑफ कर लेना है, इससे आपका मोबाइल हमेशा सेफ रहेगा। देखिए, नो प्रॉब्लम्स फाउंड, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखता है किसी ऐप को लेकर तो आप उस ऐप को फटाफट से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उसमें वायरस आ चुका है। फ्रेंड्स, फोर्थ सेटिंग ये है, अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है और उसे आप थ्री लाइन पे टच करना है, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका थीम लाइट होगा तो आपको उसे डार्क कर लेना है। अगर कई सारे मोबाइल्स में आपको एज ए बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उसे इनेबल कर लेना है, उससे आपका बैटरी बहुत हद तक सेव होने वाला है।